Assalamu alaikum friends, welcome to our channel. So today in this video we are going to discuss how the blood pH is maintained. तो हम arterial blood gases की interpretations को देखेंगे और ये बहुत important है और exam में आता है. So इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, आगे भी life में आप जब clinically जाएंगे तो उसमें आपको बहुत ये help करेगा. हमारा जो भी blood का normal pH है वो maintain रहता है, स्लाइटली ऊपर नीचे होता है तो बॉडी उसे कॉम्पनसेट करती है, बफर सिस्टम एक्ट कर रहे होते हैं. तो किस तरह कॉम्पनसेट करती है और क्या किस तरह से हम इवेल्युएट करेंगे, तो इसमें एक ये बात सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि बॉडी का नॉर्मल पीएच क्या है. नॉर्मल पीएच जो है वो 7.4 होता है, लेकिन जो नॉर्मल रेंज है पीएच की दैट इज 7.35 से लेके 7.45, ये नॉर्मल रेंज है. लेकिन अगर 7.35 से कम है तो वो एसिड की तरफ जा रहा है, ठीक है, एसिडोटिक साइड. एंड अगर 7.45 से ज्यादा है देन अल्कोलोटिक साइड, बेस की तरफ वो जा रहा है, ठीक है. सो ये बात हमने सबसे पहले जहन में रखनी है, इसी की बेसिस पे आगे हम इवेल्युएशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे. एक तो ये हमने पीएच को देख लिया. नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, ये 35 से 45 नॉर्मल इसकी रेंज है. इसमें क्या होता है, अगर पीएच का तो हमने यही पढ़ा था कि अगर इससे कम वैल्यू है तो एसिड की तरफ जाएगा और ज्यादा है तो बेस की तरफ जाएगा. इसमें उल्टा होता है, इसमें अगर इससे कम है तो दैट इज अल्कोलोटिक साइड, एंड अगर इससे ज्यादा है तो एसिडोटिक साइड. यानी अगर पार्शियल प्रेशर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करेगा. तो अगर 45 से ज्यादा है तो एसिडोटिक, एंड अगर 35 से कम है तो अल्कोलोटिक, बेस साइड पे जाएगा. बाकी बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 22 से 26 इसकी रेंज है. ये पीएच की तरह होता है, अगर 22 से कम है तो देन एसिडोटिक साइड पे होगा, एंड देन अगर 26 से ज्यादा है तो देन ये अल्कोलोटिक साइड पे होगा. तो ये बातें हमें जहन में रखनी है और ये वैल्यूज को जहन में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल रेंज 35 से 45 और बाइकार्बोनेट का 22 से 26 एंड पीएच 7.35 से 7.45 की रेंज. अब हम किस तरह इवेल्युएट करेंगे, हमें डिफरेंट वैल्यूज दे दी जाती है एग्जाम में और हमें बताते हैं और हमसे पूछा जाता है कि ये क्या है. सबसे पहले तो ये कि एसिडोसिस हो रहा है ब्लड में या अल्कलोसिस है. दूसरी बात, मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है एसिडोसिस तो देन इट इज रेस्पिरेटरी, और अगर बायकार्बोनेट की वजह से हो रहा है तो देन मेटाबॉलिक. ये याद रखिएगा, बायकार्बोनेट इंडिकेट्स मेटाबॉलिक एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी. हम इसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, ये इस टेबल फॉर्म में हम बचपन में खेलते थे ना, क्रॉस एंड टिक करके कि एक रो में एक कॉलम में जिसके पहले तीन होंगे तो दैट विल विन. तो इसी तरह हम देखेंगे और अभी मैं आपको एग्जांपल देख के एक्सरसाइज देकर समझाती हूँ. अच्छा, फिर हमें ये भी देखना होगा आगे, जो कि हम एवरीथिंग विल डिस्कस, कि क्या कंपनसेटेड है, क्या नॉन कंपनसेटेड है, या फुल्ली कंपनसेटेड है या पार्शली कंपनसेटेड है, ये भी हमें देखना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, पूरे पूरे इसकी बीसीक्यूज आते हैं. सो इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पीएच है, वेट अ मिनट, इफ वी हैव अ पीएच, सॉरी गाइस, पीएच है हमारे पास 7.21 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 50 एंड बाइकार्बोनेट का जो है वैल्यू वो है हमारे पास 30. अब ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है एंड वी हैव टू डिसाइड कि ये कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है. तो सबसे पहले हमने पीएच को देखा, पीएच इज 7.21 और नॉर्मल क्या होता है 7.35 से लेके 7.45, तो ये कम है. तो कम किस साइड पे जा रहा था, एसिडोसिस, इससे कम. ये देखिए मैंने बनाया हुआ है 7.35 से कम इस एसिडोटिक साइड. तो पीएच किस रेंज में आ रहा है, एसिड की रेंज में, तो हमने पीएच लिख दिया. अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 50. नॉर्मल क्या था, 35 से 45, और 45 से ये ज्यादा है. ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा किसकी रेंज में आता है, एसिडोटिक.
अगेन ये एसिड की साइड पर है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने लिख दिया। बाकी बायकार्बोनेट क्या है 30, ये बायकार्बोनेट की रेंज थी 22 से 26, तो ये 26 से ज्यादा है 30 की वैल्यू, तो ये किस में जाएगा क्योंकि ज्यादा है तो ये एल्कलोसिस है, एल्कोलोटिक साइड पे जा रहा है, बेस की साइड पे जा रहा है, तो हम इसे बेस में लिखेंगे बायकार्बोनेट। तो जिस तरह हम गेम में करते थे कि इनर ओ तीन क्रॉस तीन पहले चीजें आ गई हैं, तो देन दैट मीन्स ये एसिडोसिस है। ओके तो ये क्या होगा, और क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, तो हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पिरेटरी, इज इंडिकेट रेस्पिरेटरी, तो ये होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस हम बायकार्बोनेट को भी देखते हैं, ये बेस की साइड पे है, तो यानी जो पीएच है वो एसिडोटिक हो गया है, एसिडोसिस हो रहा है रेस्पिरेशन की वजह से, लेकिन जो बायकार्बोनेट है बेसिक बनकर एल्कोलोटिक साइड पे जाकर उसे कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल द पीएच इज एसिडिक, तो ये पार्शियली कंपनसेटेड है बाय दिस बायकार्बोनेट, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। अगर ये बायकार्बोनेट जो बेस की साइड पे है ये बेसिक नहीं होता, ये नॉर्मल रेंज में होता, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता नॉन कंपनसेटेड, ठीक है, नॉन कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड। सो हम इसी तरह आगे फर्दर और एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें हम पार्शली कंपनसेटेड, फुली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड एसिडोसिस और एल्कलोसिस को डिस्कस करेंगे। तो जितना आप एक्सरसाइज करेंगे तो उतना ही आपको इजी होता जाएगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइजेस, आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव।